दोस्तों आज इस वीडियो में दिखाने वाले हैं एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड एक्टिवेट कैसे करें। जैसे दोस्तों अगर आपको एक्सिस बैंक की तरफ से कोई भी क्रेडिट कार्ड मिला है तो अगर आप एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड को यूज करना चाहेंगे उससे पहले आपको जो है एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड को एक्टिवेट करना पड़ेगा, उसका ऑनलाइन ट्रांजेक्शन वगैरह इनेबल करना पड़ेगा, तभी आप जो है एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड को यूज कर पाएंगे। और इस वीडियो में आपको इसी के बारे में बताने वाले हैं कि एक्सिस बैंक का क्रेडिट कार्ड को कैसे एक्टिवेट करें ऑनलाइन, सिर्फ 2 मिनट का टाइम लगेगा। तो अगर आप भी एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड को एक्टिवेट करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो दोस्तों एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड को एक्टिवेट करने के लिए आपको क्या करना है, अपने मोबाइल में सबसे पहले एक्सिस मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर लेना है प्ले स्टोर से। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। अगर आपके मोबाइल में पहले से एक्सिस मोबाइल ऐप है तो आपको एक्सिस मोबाइल ऐप को ओपन करना है और दोस्तों यहाँ पर आपको लॉग इन वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको एम पिन डाल करके लॉग इन कर लेना है। अगर आपका एक्सिस मोबाइल ऐप में रजिस्टर नहीं है तो दोस्तों आपको सबसे पहले इसमें रजिस्टर करना होगा। रजिस्टर कैसे करते हैं वीडियो मैंने बना दिया, उस वीडियो को देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके बाद कुछ इस तरह से एक्सिस मोबाइल ऐप ओपन हो जाएगा। दोस्तों अगर आपका एक्सिस बैंक में अकाउंट होगा तभी आपके पास इस तरह का आएगा। अगर आपका एक्सिस बैंक में अकाउंट नहीं है तो आप कैसे एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड को एक्टिवेट करेंगे, मैंने इस पे एक अलग से वीडियो बनाया, उस वीडियो को देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर आपको मोर का ऑप्शन मिलेगा, मोर वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं आपको कई सारे ऑप्शन मिलेगा, एक ऑप्शन है क्रेडिट कार्ड का, तो क्रेडिट कार्ड वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कुछ सेकंड का लोडिंग लेगा तो आपको वेट करना है। फिर दोस्तों देख सकते हैं कुछ इस तरह से ओपन हो जाएगा। दोस्तों अगर आपके पास एक्सिस बैंक का पहले से कोई और भी क्रेडिट कार्ड होगा तो यहाँ पर दोस्तों नीचे स्क्रॉल करेंगे तो देख सकते हैं पहले जो आपके पास क्रेडिट कार्ड है वह क्रेडिट कार्ड शो करेगा। अगर आपके पास एक्सिस बैंक का पहले से कोई क्रेडिट कार्ड नहीं है तो आपको जो क्रेडिट कार्ड मिला होगा ये क्रेडिट कार्ड यहाँ पर शो करेगा। दोस्तों क्रेडिट कार्ड एक्टिवेट करने के लिए यहाँ पर देख सकते हैं एक ऑप्शन है अनबॉक्स का, अनबॉक्स वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ डिलीवरी वेरीफाइड। अब दोस्तों आपको यहाँ पर एनवेलप दिख रहा है, आपको इस एनवेलप वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं लिखा चुका है लेट्स सेटअप योर कार्ड, आपको नेक्स्ट वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। अब दोस्तों यहाँ पर आपको अपना क्रेडिट कार्ड का लिमिट को सेट करना है और यहाँ पर ऑनलाइन यूजेज वगैरह को सेट करना होगा, एक्टिवेट करना पड़ेगा। तो दोस्तों अगर आप यहाँ पर ऑनलाइन शॉपिंग करना चाहते हैं क्रेडिट कार्ड से, अगर आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शन को इनेबल करना चाहते हैं तो सिंपल से आपको ऑनलाइन शॉपिंग वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके इसे ऑन कर लेना है और जितना भी आपको क्रेडिट कार्ड में लिमिट सेट करना है उतना यहाँ पर आपको सेट कर लेना है। दोस्तों यहाँ पर आपको जिस भी ट्रांजेक्शन को इनेबल करना है उसे आप यहाँ से ऑन कर सकते हैं, डिसेबल करना है यहाँ से आप डिसेबल कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम जो है सिर्फ ऑनलाइन ट्रांजेक्शन को इनेबल कर रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन अगर आपको ऑन करना है, इनेबल करना है तो यहाँ से आप उसे इनेबल कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं क्रेडिट कार्ड का पिन सेट करने के लिए बोला जा रहा है, तो यहाँ पर सेंड ओटीपी टू सेट पिन वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी गया है, उस ओटीपी को आपको यहाँ पे डालना है। उसके बाद वेरीफाई वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं नया पिन सेट करने का ऑप्शन आ चुका है। तो दोस्तों जो भी आप अपना क्रेडिट कार्ड का पिन रखना चाहते हैं 4 डिजिट का, उस पिन को आपको यहाँ पे डाल देना है और दोस्तों दोबारा से उसी पिन को आपको कंफर्म पिन में डाल देना है। उसके बाद सेट पिन वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। दोस्तों जैसे आप सेट पिन वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे तो जो आपका एक्सिस मोबाइल ऐप का एम पिन है उस एम पिन को आपको यहाँ पर डाल देना है। दोस्तों जैसे यहाँ पर आप एम पिन डालेंगे तो यहाँ पर कुछ सेकंड का प्रोसेसिंग लेगा और दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं लिखा आ जाएगा कांग्रेचुलेशन योर कार्ड इज सक्सेसफुली सेटअप और दोस्तों यहाँ पर आपका जो है क्रेडिट कार्ड एक्टिवेट हो जाएगा एक्सिस बैंक का। तो इस तरह से आप एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड को एक्टिवेट कर सकते हैं। मैंने आपको कंप्लीट प्रोसेस दिखा दिया है। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर आपका कोई सवाल हो तो नीचे कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में।